दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो आम हिंदू लड़कियों को तो लव जिहाद से बचकर रहने की सलाह देते हैं, पर उनकी खुद की बहन की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई है। ऐसा कहने वाले लोग एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिस पर लिखा है, बागेश्वर बाबा ने बहनों को धोखा दिया। वीडियो के शुरुआती हिस्से में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन देते नजर आते हैं। वो कहते हैं, तुम मर जाना बिना विवाह काना कुबड़ा लंगड़ा लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन, भूल कर भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। इसके बाद टीवी शो आपकी अदालत का एक वीडियो आता है, इसमें पत्रकार रजत शर्मा सवाल करते हैं, मैंने तो ये भी सुना है कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई। इसके जवाब में धीरन शास्त्री कहते हैं, आज भी हमारा मित्र है, अभी 5 दिन पहले ही मिला था। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, पंडित धीरन शास्त्री ने अपनी बहन की शादी मुस्लिम व्यक्ति से की है और शादी करने के पैसे भी लिए, खुद करे तो प्रेम और आम आदमी करे तो लव जिहाद, ये कैसा दोगलापन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहन रीता गर्ग की शादी किसी मुसलमान से नहीं बल्कि कमलेश नाम के एक हिंदू शख्स से हुई थी। कमलेश ने खुद आज तक से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बहन का नाम रीता गर्ग है। MP तक को दिए गए एक इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुस्लिम मित्र शेख मुबारक बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बहन की शादी के वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उस वक्त शेख मुबारक ने उनकी करीब 20,000 रुपये की मदद की थी। इस बारे में और जानकारी देते हुए शेख मुबारक बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी किसी मुस्लिम से होने की बात झूठ है। शेख मुबारक खुद धीरन शास्त्री की बहन रीता गर्ग की शादी में मौजूद थे। उन्होंने कहा, रीता धर्मेंद्र के साथ साथ मुझे भी राखी बांधती थी। उनकी शादी छतरपुर के देवरा गांव में हुई थी। उनके पति का नाम कमलेश चौराहा है, वह एक ब्राह्मण है।